छियासठ हजार तीन सौ को किसमें बांटने बोल रहा ए और बी में किसमें किस में बांटने बोल रहा ए और बी में ए का कितने साल का मिश्रधन? दस वर्ष का ए का मिश्रधन बराबर क्या बोल रहा बीस आठ बी का आठ वर्ष आठ वर्ष का मिश्रधन ये दोनों क्या है बरला बराबर है आर कितना है आर कितना है दस परसेंट दस परसेंट का फ्रैक्शन कितना होता है मतलब दस में एक प्लस एगारह बटा दस क्या होगा देखो ये दस वर्ष था ये आठ वर्ष था दोनों का डिफरेंस कितना है दो डिफरेंस दो यानी पावर क्या कर दो, दो. तो ग्यारह का स्क्वायर दस का स्क्वायर पहले का भाग कितना हो जाएगा दूसरे का भाग कितना हो जाएगा दो समझ में तो अनुपात 121 अनुपात 100 यानी टोटल कितना हो गया 221 और किताब में? सिक्स सिक्स थ्री डबल जीरो तो किसका भाग बोला ए का भाग अगर ए का भाग बोला तो कितना होगा तो भाग कितना होगा बोलो कैसे पता चलेगा एक तो एक सौ इक्कीस होगा एक एक सौ होगा ए का भाग कौन सा है? बी का भाग कौन सा है? Ouais? कैसे पता चलेगा किसका ज्यादा होगा ज्यादा होगा बी का ज्यादा होगा मूलधन बी का ना ज्यादा होगा क्योंकि देखो आठ साल में भी उतना पैसा होता है इसका दस साल में तो बी के पास बी के पास ज्यादा पैसा होगा ना बी का मिश्रधन बोलेगा तो कितना बार में कटा तीन बार में तीन से कटेगा ना तीन के तीन तीन दूना छः तीन तीन छत्तीस हज़ार तीन सौ एक का भाग बोलेगा एक सौ के बराबर एक सौ यानी तीस हज़ार समझ में सबसे अच्छा है कहानी इसका वो एक ही है कहानी पूरा बताएंगे तो पी इंटू वन प्लस आर वाई हंड्रेड बैठाना पड़ेगा नहीं बनाना है तो आप वैसे याद कर लो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सात वर्ष बाद ए का हिस्सा और नौ वर्ष बाद बी का हिस्सा मतलब सात वर्ष सात वर्ष बाद अगर सात वर्ष मतलब सात वर्ष बाद ए और बी का हिस्सा मतलब सात वर्ष का मिश्रधन और इसका बी का नौ वर्ष का मिश्रधन दोनों क्या होगा तो बराबर होगा ए और बी का ए का सात साल का मिश्रधन और बी का क्या बोला नौ साल का मिश्रधन दोनों क्या होगा बराबर होगा तो यहां से आर हमको कितना परसेंट दिया है चार परसेंट आर अगर चार परसेंट दिया तो चार परसेंट का फ्रैक्शन कितना होता है एक बटा पच्चीस मतलब पच्चीस में एक प्लस यानी कितना हो जाएगा पी कितना होगा अगर पच्चीस में एक प्लस यानी कितना छब्बीस छब्बीस बटा कितना पच्चीस इसका क्या देखो ये सात साल था और ये नौ साल अंतर कितने वर्ष का है दो यानी इसका पावर क्या कर देंगे तो। अगर अंतर तीन वर्ष का होगा तो इसका क्या करेंगे क्यों अंतर चार होगा तो इसका पावर क्या करेंगे चार।, चार अब ये दोनों आएगा अनुपात देखो पच्चीस पच्चीस का स्क्वायर छह सौ पच्चीस छब्बीस का स्क्वायर छिहत्तर अब ये ए का हिस्सा होगा और ये बी दोनों दोनों का अनुपात होगा ए और बी का अनुपात होगा तो ए किसका होगा और बी किसका होगा बताओ तो देखो सात साल में ए का धन और नौ साल में बी का धन दोनों का धन क्या हो रहा जो मिश्रधन है बराबर हो रहा अब ये सात साल और ये नौ साल नौ साल जिसका हो जिसका नौ साल का ब्याज लग रहा उसका धन कम होगा ना मतलब बी का धन क्या होगा कम ए का धन क्या होगा ज़्यादा यानी 625 सौ पच्चीस किसका होगा बी का और ए कितना होगा छः सौ छिहत्तर अब दोनों का योग कितना है छः पाँच ग्यारह सात दोनों एक दस छः छः बारह एक तेरह तेरह एक और किताब में दोनों का योग दोनों में कितना बांटा है उनचालीस हजार कितना उनचालीस हजार उनचालीस ना ओ ठीक है उनचालीस हजार तीस देखो मेरा टोटल दोनों में कितना बांट है तीन सौ एक और किताब में कितना बांटा है उनचालीस हजार तीस तो इसमें से किसका हिस्सा पूछा है ए ए यानी छ सौ छिहत्तर के बराबर ये कितना बार में कटेगा तीस जीरो तीन छक अठारह तीन सत बाईस तीन छह अठारह बीस हजार दो, दो सौ अस्सी सिंपल सा तरीका है ऐसा ही करो जितना आ रहा होगा फ्रैक्शन करके उसमें प्लस वन कर दिए, जैसे एक बटा पच्चीस है तो पच्चीस और पच्चीस छब्बीस आएगा ना पच्चीस में एक प्लस छब्बीस हो जाएगा पच्चीस और छब्बीस तो पच्चीस छब्बीस यानी दो साल है अंतर दो साल का आ रहा था तो स्कोर कर दिए अब ये दोनों का अनुपात होगा अब कौन ए होगा कौन बी होगा वो सोचना है आपको कौन कौन ए होगा होगा? और बी सोचोगे? सात साल में जितना हो रहा बी का नौ साल में उतना हो रहा है मतलब बी के पास कम होगा इसीलिए ना उसको ब्याज में नौ साल लगा तब जाके उतना पैसा हुआ और जबकि सात साल में ही हो गया मतलब ए के पास ज्यादा पैसा था क्वेश्चन में क्या बोल रहा एक पिता ने एक पिता ने क्या किया अपने दो पुत्रों को दो पुत्रों को क्या किया जो कि सत्रह वर्ष का एक पुत्र कितने वर्ष का है सत्रह वर्ष और एक पुत्र कितना वर्ष का है अठारह वर्ष वो दोनों को क्या किया एक वसीयत बनाया कितना हजार रुपये का सोलह हजार चार सौ रुपया का एक वसीयत बनाया और दोनों को क्या दिया और दोनों को जब दिया तो जब वो लोग कितना वर्ष का हो जाएगा बोल रहा कितना साल बीस वर्ष का हो जाएगा तो दोनों को क्या मिलेगा समान राशि अब देखो दो दो बेटा बेटी है अगर एक छोटा है एक बड़ा है अब दोनों को अगर जमा करेगा वैसा पैसा और निकलेगा अलग अलग पैसा कम और ज्यादा तो दो, दोनों झगड़ा लड़ेगा ना बाद में नहीं पिता तुमको ज़्यादा पैसा दिया तुम्हारे पिताजी थे बोले गए है ना इसीलिए वो क्या किया दोनों को ऐसा बसियत बनाया कि जब दोनों बीस साल का हो जाएगा तो दोनों को क्या मिलेगा समान राशि तो ये सत्रह साल का जो है वो बीस साल का जब हो जाएगा मतलब इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा कितने कितने साल का ब्याज मिलेगा इसको तीन वर्ष का और ये अठारह साल का है बीस साल का तो इसको दो, दो साल, साल. यानी जो पहला पुत्र उसके तीन साल का मिश्रधन है ना दूसरा पुत्र का दो साल का मिश्रधन दोनों क्या होगा बराबर आर कितना परसेंट पर दिया है पांच परसेंट, पांच परसेंट. पांच परसेंट का फ्रैक्शन होता है एक बटा बीस तो हम बोले थे बीस प्लस एक बीस और इक्कीस होगा अब देखो यहां तीन साल का मिश्रधन और यहाँ दो साल का मिश्रधन अंतर कितने का हो रहा है अंतर हो रहा एक, एक का यानी पावर क्या होगा एक।, एक, एक पावर करोगे तो ये बीस और इक्कीस ही होगा यानी इनका अनुपात कितना है बीस अनुपात इक्कीस अब बीस किसका है इक्कीस किसका है बता दो देखो बीस जो होगा बीस जो होगा छोटा वाला क्योंकि इसको तीन साल का ब्याज लग रहा और इसको दो साल का यानी इक्कीस इसका जो बड़ा वाला का होगा या फिर जिसका कम साल है बड़ा वाला मतलब अठारह साल जिसका इसका दो साल बड़ा वाला होगा ना तो ये बीस और इक्कीस तो क्वेश्चन दोनों कितना हो रहा बीस और इक्कीस टोटल इकचालीस और किताब में कितना अमाउंट रहा था सोलह सौ सो, सोलह हजार चार सौ तो हमको क्या बोल रहा था किसका निकालना है छोटा वाला अब छोटा वाला का हिस्सा कितना है बीस चार सौ चार दो ना हजार इसमें एक कंफ्यूजन होगा कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा वो भी आप आराम से कर सकते हो जिसको ज्यादा साल का ब्याज मिल रहा उसका धन क्या होगा कम होगा और जिसको कम साल का ब्याज मिल रहा उसको क्या, उसका धन क्या ज्यादा होगा ना तब ना उसको पहुंचाएगा तो ये आठ हजार आंसर समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या बोल रहा एक व्यक्ति चौसठ सौ रुपया ना एक व्यक्ति चौसठ सौ रुपया बैंक से क्या करता है उधार लेता है कितने परसेंट दर पर लेता है आर बीस परसेंट के दर से उधार लेता है और प्रत्येक साल के अंत में क्या करता है वो सोलह सौ रुपया करके आंशिक भुगतान करता है मतलब सोलह सो सोलह सो करके भुगतान करता है तो तीन बार भुगतान करने के बाद उसको और कितना धन बैंक को देना है बोल रहा तो देखो ये फर्स्ट बार सेकेंड बार थर्ड बार तीन बार भुगतान करना है आपको देखो अभी आप उधार कितना लिए थे चौसठ अब चौसठ सौ पे आपको इंटरेस्ट कितना देना है बीस परसेंट देना है देखो अभी उधार लिए अभी जैसे जनवरी में हम उधार लिए तो दिसंबर में देंगे ना बैंक को बीस परसेंट इंटरेस्ट तो चौसठ देना था बीस परसेंट इंटरेस्ट के साथ देना तो चौसठ सौ का बीस परसेंट कितना हो रहा बीस परसेंट यानी एक बेटा पांच के पांच पांच दो न दस कितना देना बारह अस्सी अब बारह अगर यहां ब्याज देना है तो चौसठ में बारह ब्याज देना है मतलब एक वर्ष में उसको लौटाना कितना था चौसठ प्लस बारह यानी सात हजार छह सौ अस्सी लौटाना था वो कितना आंशिक भुगतान किया सोलह भुगतान किया अब जो सोलह भुगतान कर दिया तो उधारी वो कितनी का रहा छह हजार अस्सी छह हजार अस्सी का उधारी रहा ना? अब ये छ हजार अस्सी जब अगले साल जब आएगा तो वो फिर बीस परसेंट ब्याज लेगा बैंक क्या करेगा बीस परसेंट ब्याज देगा ना छह हजार अस्सी पर अब छे हजार अस्सी का बीस परसेंट कितना होगा बीस परसेंट एक बटा पांच पांच के पांच पांच दो ना दस पांच के पांच पांच बारह सौ सो? सोलह देखो वो उधारी कितना रहा था छः हजार अस्सी इंटरेस्ट कितना लगा बारह सो सोलह तो टोटल लौटाना कितना था उसको जोड़ देंगे सात हजार दो सो छियानबे लेकिन वो कितना आंशिक भुगतान किया सोलह सौ सो भुगतान कर दिया सोलह सो दे दिया ना अब सोलह अगर सात हजार दो सौ छियानबे में वो सोलह दे दिया तो फिर कितना उधारी रहा हुआ? सात हजार दो सौ में सोलह दे दिया ना यानी ये छियानबे छियानबे ना फिर सोलह बारह में छ 6 पाँच हजार 1 सौ छियानबे अब कितना उधारी रहा पाँच हजार सौ छियानबे अब उसमें वो कितना इंटरेस्ट लेगा फिर बीस परसेंट लेगा अब पाँच हजार सौ छियानबे में बीस परसेंट लेगा मतलब एक बटा पांच के पांच 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 दिया पंद्रह पांच नौ पैतालीस पांच दो न दस ग्यारह सौ उनचालीस पॉइंट टू का क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा ग्यारह सौ उनचालीस पॉइंट टू तो टोटल कितना हो गया पॉइंट टू नौ छः पंद्रह तीन छः छलती कर दी ना पॉइंट नौ था ना नौ छः पंद्रह फिर तीन और नौ बारह बारह और एक तेरह फिर एक छः एक सात एक आठ पाँच एक छः लौटाना कितना था छ हजार आठ सौ पैंतीस पॉइंट टू लेकिन वो कितना दिया सोलह सौ दिया अब सोलह सौ अगर दिया तो शेष अभी कितना देना है बैंक को देना था छः हजार आठ सौ पैंतीस पॉइंट टू अब दे दिया कितना उसमें से सोलह तो और अभी उधार कितना रहा वो घटा दो सोलह सो दे दिया टू पांच तीन आठ में छे गया दो पांच यानी बावन सौ पैंतीस रुपया पॉइंट बीस पैसा मतलब इतना रुपया और बैंक को उधारी है वो और इतना देना पड़ेगा उसको ठीक है देखो ये होता है इंटरेस्ट वो लिया था कितना चौसठ सौ रुपया सोलह 16 सो अड़तालीस सौ लौटा दिया फिर भी उसको बावन सौ देना पड़ रहा है इंटरेस्ट लगेगा ही ना तो इस टाइप से उसको देना है और बावन सोटा क्वेश्चन सब बनाएंगे किस्त वाला को चार पांच क्वेश्चन बना देंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा सबसे पहले हम क्या किस्त क्या एक बेसिक क्वेश्चन बना देंगे उसके बाद आपको जो नया तरीका है वो भी बताएंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर P बराबर क्या होता है X बाई वन प्लस आर बटा हंड्रेड का पावर कितना वन अगर एक किस्त हुआ तो वन वन तक जाएगा अगर दो किस्त हुआ X बाई वन प्लस आर बटा हंड्रेड का मान पावर टू अगर तीन किस्त होगा तो किस्त क्या एक्स वन प्लस आर बटा हंड्रेड का पावर क्या होगा थ्री चार किस्त होगा तो आगे भी जाएगा जितना किस्त होगा एक दो तीन चार पांच वो इस टाइप से आगे जाते रहेगा ये क्या क्या है है धन और एक्स क्या है? किस्त एक्स क्या होगा किस्त होगा समझ में ये बेसिक फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला से आपका किस्त का जितना भी क्वेश्चन बनता है अगर आप ये एक फॉर्मूला याद रखोगे तो किस्त का सब क्वेश्चन आपका इसी में बनेगा जैसे यहां पर दिया था क्या दिया था क्वेश्चन में धन कितना बोला था एक, एक हजार पच्चीस रुपए का धन बोला था ना तो देखो धन यानी पी पी कितना दिया है एक हजार पच्चीस बराबर क्या होगा एक्स किस्त निकालने बोला है ना तो किस्त का मान नहीं दिया है अगर धन निकालने बोलेगा किस्त देगा तो एक्स की जगह में किस्त रखेंगे और धन पी को मान रखेंगे धन निकालेंगे अब वन प्लस आर आर का मान कितना परसेंट दिया पांच परसेंट मतलब पांच बटा में सो क्या ये देखो पांच से कटेगा पांच बटा बीस तो देखो बीस एक बीस और एक इक्कीस बटा बीस हो जाएगा आगे दो दो किस्त तक बोला था ना दो किस्त यहां पर भी क्या होगा वही पांच परसेंट पांच बटा लेकिन दो किस्तें तो यहां पर पावर क्या होगा हम लोग का दो तीन तक जाएगा तो पावर क्या होगा थ्री अब ये देखो एक हजार पच्चीस अब ये देखो बीस इके बीस और एक इक्कीस बटा बीस हो रहा इक्कीस बटा बीस हो रहा ना अगर ये इक्कीस बटा बीस हो रहा तो बीस क्या पलट जाएगा ऊपर में बीस एक्स ऊपर नीचे में इक्कीस होगा फिर प्लस अब ये देखो ये भी क्या हुई बीस बटा इक्कीस इक्कीस एक, बटा बीस होगा ये भी पांच से काटेंगे बीस होगा ना तो बीस एक बीस और एक इक्कीस बटा बीस लेकिन यहां पर स्क्वायर है इक्कीस बटा बीस का स्क्वायर है मतलब बीस का स्क्वायर चार सौ और चार सौ इकचालीस ना तो देखो नीचे में कितना होगा चार सौ इकचालीस चार सौ इकचालीस ना और चार सौ जो होगा ऊपर पलटेगा ऊपर जब चार सौ पलटेगा तो ऊपर में क्या होगा देखो ये स्टेप्स हम जंप कर रहे हैं ठीक है तब क्या होगा पूरा बोर्ड नहीं भरेगा ठीक है यहां पर 20 और 21 इक्कीस बटा बीस आया मतलब 21 का स्क्वायर बटा 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 400 क्या होगा ऊपर पलटेगा यानी चार सौ एक्स और यहाँ पर 21 इस का स्क्वायर यानी चार सौ इकतालीस अब ये आया वन जीरो टू फाइव अब ये 21 और चार सौ इकचालीस एल्सियम कितना होता है चार सौ इकतालीस इक्कीस कितना बार में कटेगा इक्कीस बार में इक्कीस जाके बीस में गुना होगा चार सौ चार सौ बीस दो एक दो दो न चार चार सौ बीस एक्स प्लस ये चार सौ एक चार सौ इकतालीस इकतालीस कटेगा तो इधर आ गया चार सौ देखो चार सौ एक चालीस यहाँ गुना होगा गुना होगा ना देखो चार चार आठ सौ बीस एक्स कितना हो रहा आठ सौ बीस एक्स बराबर वन जीरो टू फाइव गुना कितना आ रहा फोर फोर वन फोर फोर वन ना अब ये कितना बार से कटेगा पाँच से कट दो <coughs> कितना से काटेंगे इक्कीस से काटेंगे इक्कीस से, से कटेगा पहले पाँच से कटो पाँच के पाँच, पांच तीस पाँच चौके बीस पांच से काट देंगे पांच दो न दस पांच चौंसठ चार सौ इकतालीस कितना से कटेगा चालीस hmm? से, से एक इकालीस से कट जाना चाहिए एक इकतालीस एक चालीस होने से उधर क्या बचेगा तीन नहीं कटेगा तीन इकतीस बचेगा ओ ये वाला हाँ ये वाला कट जाएगा देखो एक चालीस ये चार बार में ये एक चालीस पाँच बार में तो यहाँ एक्स बराबर क्या आएगा पाँच एक पाँच पाँच चौके बीस पाँच चौके बीस एक इक्कीस बटा में चार चार पंचे बीस चार दूना चार पंचे बीस चार दूना आठ बचा कितना बीस चार छ कितना से पांचों के बीस और दो ना ठीक इसीलिए आंसर किसका चार से कटेंगे चार पाँच छः बीस चार पाँच छः बीस चार ही के चार चार दो आठ चार पाँच बीस पाँच सौ इक्यावन पॉइंट टू फाइव देखो नहीं कटे बोला डिजिट था यह कटे इतना बनाना पड़ेगा इतना नहीं बनाना है ये तो दो साल दिया है तीन साल और चार साल चारेगा दो किस्त में क्या करोगे वो बनाना पड़ेगा क्वेश्चन वैसे ही है देखो इसको थोड़ा और आसान कर देते हैं आर कितना परसेंट था आर कितना परसेंट था पांच परसेंट पांच परसेंट का फ्रैक्शन मतलब ये कितना होगा इक्कीस वा बीस बीस क्या होता है देखो यहाँ पी और यहाँ क्या रखेंगे एक। एक। और ए।, ए क्या होगा किस्त होगा ए क्या होगा किस्त होगा अब बीस बीस पी था यहां पर कितना हुआ किस्त ये पहला किस्त में दूसरा किस्त में स्क्वायर होगा दूसरा किस्त में क्या होगा स्क्वायर तीसरा किस्त में क्यूब चौथा किस्त में फौर, पावर फोर उसी नियम से ही जाना है ठीक है देखो ये एक बटा बीस है ना तो पी कितना हो गया बीस और ए कितना हुआ इक्कीस ए क्या है हम लोग का किस्त क्लियर है ए क्या है किस्त अब ये देखो एक किस्त हुआ सेकंड किस्त में फिर इसका क्या होगा स्क्वायर होगा थर्ड किस्त होगा तो क्यूब होगा चार किस्त होगा तो पावर फोर होगा बीस का स्क्वायर इक्कीस का स्क्वायर किस्त तो हर साल क्या होगा बराबर होगा किस्त हर साल बराबर होगा ना अगर इसको बराबर करना है तो ये चार सौ इकालीस है इक्कीस है यहां पर कितना गुना करेंगे इक्कीस इसमें कितना गुना करेंगे एक। यहां पर इक्कीस गुना किए यहाँ एक गुना किए तो यहाँ इक्कीस गुना किए तो यहाँ भी इक्कीस गुना होगा तो देखो ये कितना हुआ चार सौ बीस और ये तो एक से गुना होगा तो चार सौ ये धन आ गया ये हम लोग का पी ना ये पी है ना पी कितना है चार सौ चार सौ आठ सौ बीस पी कितना आया आठ सौ बीस और किताब में कितना दिया है एक हज़ार पच्चीस यानी मूलध क्या निकालना था किस्त किस्त चार सौ इकचालीस है ना इसके बराबर कितना सेम कटे थे वही वही कट रहा ना कितना से कटेगा एक चालीस नहीं ये नहीं कट रहा था पाँच से पाँच दुना दस पाँच पचे पच्चीस पाँच से पाँच एक पाँच पाँच छः तीस पाँच चौके बीस इकचालीस चौके इक्चालीस पाँच बार में पाँच एक से गुना हुआ पाँच चौ बीस पाँचों के बीस और दो बाईस बटा में क्या चार चार से चार पाँच छः बीस चार पाँच छः बीस चार के चार चार दो आठ पाँच सौ इक्यान पॉइंट टू फाइव क्वेश्चन में क्या बोला छियासठ हजार दो सौ ना छियासठ हजार दो सौ को तीन वार्षिक किस्तों में चुकाना है ना कितना परसेंट ब्याज ले रहा आर कितना परसेंट ले रहा टेन परसेंट टेन परसेंट का फ्रैक्शन एक बटा दस यानी इधर क्या होगा पी और इधर ए एक बटा दस में अगर पी दस है तो एक कितना हो जाएगा दस प्लस एक ग्यारह ये क्या है हम लोग का किस्त अब ये दस और ग्यारह कितना एक किस्त और कितने किस्त में बोला है तीन, तीन किस्त एक किस्त सेकंड किस्त में क्या होता है स्क्वायर होता है ना दस का स्क्वायर सो, सो। ग्यारह का स्क्वायर थर्ड किस्त में फिर दस का क्यूब एक हजार ग्यारह का क्यूब अब हर किस्त क्या होता है बराबर होता है यानी किस्त को बराबर करना है अब इसको बराबर करना है तो यहां क्या गुना होगा एक सौ इक्कीस यहां क्या गुना होगा यहां क्या गुना होगा लिए। यहां एक सौ इक्कीस गुना हुआ तो इधर भी एक सौ इक्कीस से गुना करना है एक सौ इक्कीस गुना दस यहां ग्यारह गुना हुआ तो यहां भी गुना होगा ग्यारह गुना होगा यहां एक गुना हुआ तो यहां टोटल कितना हो जा रहा है तीन हजार तीन सौ दस तीन हजार तीन सौ दस हम लोग का टोटल आया और किताब में कितना दिया तीन हजार तीन सौ दस के बराबर छियासठ हजार दो सौ तो हमको किस्त चाहिए ये वाला किस्त तेरह सौ किस्त के बराबर कितना ये कितने बार में कट रहा 20. बीस बार में बीस गुना होगा जीरो दो एक दो दो तिया छः दो तिया छब्बीस हजार छः सौ बीस आया समझे मजा राशि उधार ली तथा प्रत्येक किस्त कितना आठ हजार आठ सौ बीस रुपया प्रत्येक किस्त कितना आठ हजार आठ सौ बीस और आर कितना है हम लोग का बोल रहा है आर कितना पांच परसेंट तो दो दो वार्षिक किस्तों में चुकाता है दो वार्षिक किस्तों में चुकाता है तो धन क्या है ये पूछा था ना यानी अभी में हम लोग को क्या धन निकालना था अभी तो आर अगर पांच परसेंट है तो पांच परसेंट का फ्रैक्शन यानी कितना हुआ बीस ए कितना हुआ इक्कीस अब ये एक किस्त दूसरा किस्त में स्क्वायर हो जाएगा बीस का स्क्वायर चार सौ इक्कीस का स्क्वायर चार सौ इकचालीस अब प्रत्येक किस्त बराबर होता है यानी इसको बराबर करेंगे इक्कीस गुना होगा यहाँ एक। यहाँ इक्कीस एक गुना हुआ तो इसमें भी इक्कीस गुना होगा इक्कीस गुना बीस चार सौ बीस एक गुना होगा चार सौ टोटल धन कितना हो गया अब देखो एक किस्त कितना है 400 एक 40 और किताब में किस्त कितना दिया है 400 एक 40 के बराबर दिया 8820 तो धन यानी 820 के बराबर कितना ये कितना बार में कट गया दो बार में ये जीरो दो दो दोना चार दो आठ सोलह हजार चौंसठ सोलह हजार चार सो तो आंसर क्या आ जाएगा धन कितना आ जाएगा सोलह हजार कुछ धन उधार लिया ना कुछ धन उधार लिया और तीन समान वार्षिक किस्तों में चुकाता है तीन समान वार्षिक किस तीन किस्त में चुकाता है कितना किस्त है सात हजार नौ सौ छियासी का तीन समान किस्तों में चुकाता है आर कितना परसेंट है आर दस, 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 दस परसेंट यानी पी बराबर क्या हो जाएगा और ए पी कितना तो दस परसेंट है मतलब एक बटा यानी दस ग्यारह ये क्या है किस्त अब ये एक किस्त दूसरा किस्त में क्या होगा दस का स्क्वायर और ये ग्यारह का स्क्वायर तीसरा किस्त में क्या होगा क्यूब दस का क्यूब एक हजार ग्यारह का क्यूब तेरह सौ अब प्रत्येक किस्त है तो क्या करना है बराबर करना है यानी यहां पर गुना में एक सौ इक्कीस यहां पर ग्यारह यहां पर एक सौ इक्कीस गुना हुआ यानी एक सौ इक्कीस गुना दस बारह सौ दस ग्यारह गुना हुआ मतलब ग्यारह गुना सौ ग्यारह एक गुना हुआ एक गुना एक हजार एक किस्त कितना है बोला 1300. सौ और किताब में सात तो देखो प्रत्येक अलग अलग धन निकालना है प्रत्येक अलग अलग धन मतलब एक दो तीन ये प्रत्येक अलग 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 निकालना है तो पूरा धन बोलेगा तो टोटल जोड़ देते हैं और अलग अलग धन बोला दो अलग अलग निकालो यानी बारह सौ और एक एक हजार के बराबर यहां पर ये कितना बार बार में चे तो चे में कट रहा? तो कटेगा? यानी गुना एक हजार छठ तीसरा था, था बारह सौ? दस बारह सौ दस गुना छह शून्य सुन? छ के छह छह बहत्तर ये तीन प्रकाशन